लड़की को उसकी औकात कैसे दिखाएं, लड़की से बदला कैसे लें, क्या किसी ने आपको धोखा दिया है, आपका ब्रेकअप हुआ है, दोस्ती टूट गई है, किसी बंदी ने आपकी बेइज्जती मारी है और आपके अंदर एक आग लग गई है कि भाई मैं अब बदला लेकर रहूंगा, चाहे जो हो जाए साला उसको नीचे दिखा कर रहूंगा, ये करके रहूंगा, वो करके रहूंगा। तो यहां पर बदला कैसे लेना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। आपको क्या लगता है कि किसी लड़की को हर्ट करके आप बदला ले लोगे, उसके प्राइवेट पिक्स को लीक करके आप बदला ले लोगे, उस पे गाली गलौज करके उसको डांट डूट के आप बदला ले लोगे? जी नहीं। अरे ये सब तो मूवीज में होता है मुन्ना, यहां पर कहां तुम बकचोदी कर रहे हो, यहां पर रियल लाइफ में जीना सीखो। बदला रियल लाइफ में कैसे लेते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूं। एक बात बताओ कि लड़की ने आपसे ब्रेकअप क्यों किया, आपसे दोस्ती क्यों तोड़ी, आपको गाली गलौज क्यों की, बेइज्जती क्यों मारी? इसलिए क्योंकि वो आपको तड़पते देखना चाहती थी। अब बदले का मतलब क्या होता है वो देख लो, बदला मतलब होता है अपोजिट। लड़की आपको देखना चाहती थी बर्बाद होते हुए, लेकिन आप हो गए आबाद। रो के बिलक के नहीं बल्कि खुश होके लड़की के सामने यहाँ पर गुस्सा मत दिखाओ, उसको प्यार दिखाओ। आपको ये अजीब सा लग रहा होगा और आप कह रहे होगे कि यार मैं उसको प्यार कैसे दिखाऊं, वो तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन यही तो ट्विस्ट है मेरे भाई। देखो जब शीशे को बनाया जाता है, ढांचे में डाला जाता है, मोल्ड किया जाता है, यानी कि जब वो तरल होता है, यानी कि जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब उसी गर्म शीशे के बीच तुम एक बूंद पानी की डाल देते हो तो चटक जाता है साला। तुम्हें चटकाना ही तो है, शीशा गर्म है, पानी की वो एक बूंद ठंडी है, तुम्हें ठंडा होना है, लड़की को गर्म होने दो। उसने अपना काम किया, अपन अपना काम करेंगे। उसने गर्मी दिखाई, अपन ठंडापन दिखाएंगे। तो यहां पर पहला तो मैं आपको यही काम कहूंगा कि कंट्रोल योर सेल्फ। मुझे पता है कि आपको बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा कि मैं कंट्रोल कैसे करूं, मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, उसने मुझे धोखा दिया है, बर्बाद किया है। कोई दिक्कत नहीं, लड़की ने ऐसा किया ही इसीलिए क्योंकि वो आपको बर्बाद देखना चाहती है। लेकिन जब तुम सामने वाले से उसकी तृप्ति यानी कि उसकी प्यास छीन लेते हो ना, तो भूखा प्यासा मर जाता है। उसकी प्यास यहां पर यह है कि वो आपको तड़पते देखना चाहती है, और अगर आप नहीं तड़पोगे तो भैया वैसे ही मर जाएगी वो। एक छोटे बच्चे से जब तुम उसका खिलौना छीन लेते हो तो पागल हो जाता है, रोने गाने लग जाता है। ठीक उसी तरह आपसे लड़की का खिलौना यानी कि उसकी प्यास छीन लेनी है। अपने आप को तड़पाना नहीं है, अपने आप को खुश रखना है। लड़की जब धोखा देती है, लड़की आपके साथ कुछ बुरा करती है, तो दो काम होते हैं, या तो आप आबाद हो जाते हो या बर्बाद हो जाते हो, तीसरा कुछ नहीं होता। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं बर्बाद भी होके देख चुका हूं और आबाद भी होके देख चुका हूं। बर्बादी में मुझे कुछ ज्यादा दिखा नहीं भाई, बर्बाद हुआ तो उसको खुशी हुई, लेकिन जब आबाद हुआ ना मुन्ना मजा आ गया। खुशी उसको आबादी पे भी हुई और बर्बादी पे भी हुई, लेकिन जो आबादी पे खुशी हुई थी ना वो तो बस बाहर से थी, अंदर से तो फूक चुकी थी भाई। दैट्स व्हाट यू शुड डू और यू मस्ट डू, कि अपने आप को खुश रखो, अपने आप को जलाओ और तड़पाओ मत। सेकंड यहां पर पॉइंट है मेक हर रिग्रेट। यहां पर बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि सामने वाले को पछतावा दिलवाओ कि उसने जो किया वो गलत किया। अब लड़की को रिग्रेट फील करवाने के दो रास्ते होते हैं, एक तो आप बखूबी जानते हो कि या तो आप उसके पास चले जाते हो, अपने चिले चपाटों को भेज देते हो कि यार तूने जो किया वो बहुत गलत किया, लड़का बहुत दुखी में है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है वो कितना दिल का साफ है, ये वो घंटा। लड़की को तो और मजा आ रहा होता है कि आओ सालो आओ उसकी दुख भरी आत्मा की कहानी सुनाओ, मुझे तो ठंडापन मिल रहा है। लड़की ने बदला ही इसीलिए लिया था, मैं पहले बता चुका हूं ना, तो यहां पर आपको ये नहीं करना। अब यहां पर दूसरा रास्ता क्या है वो मैं बता देता हूं। अपने आप को आबाद करो, अपने आप को सफलता की ओर लेकर जाओ, अपने आप को सफल इंसान बनाओ, पैसे कमाओ, पॉपुलैरिटी कमाओ, इज्जत कमाओ, सब कमाओ। लड़की को ये दिखाओ कि उसने जो किया वो गलत किया, लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए नहीं क्योंकि आपको सिंपैथी चाहिए, जी नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर आज वो आपके साथ होती तो आज उसको भी पॉपुलैरिटी मिल रही होती, पैसे मिल रहे होते, इज्जत मिल रही होती। लेकिन आज लोग उसको ये कहकर ताने मारते हैं कि तेरा तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो लड़का आबाद हो चुका है। अरे यहां पर कोई किसी को नहीं भी जानता ना तो भी जलने लग जाता है कि ये बंदा सफल क्यों हो रहा है, इसके पास पैसे क्यों आ रहे हैं, और यहां तो वो जानती है भाई, सोचो उसकी क्या हालत हो रही होगी, जल जल के खाक हो जाएगी, जल भुन के भुट्टा हो जाएगी। तो यहां पर आपको बस सफल होना है, कुछ ज्यादा नहीं करना। सफल आप कैसे भी हो सकते हो, कोशिश करो कि जिस वजह से उसने आपको धोखा दिया उसी में आगे जाओ। लाइक लड़की ने ये कहा हो कि तेरे पास पैसे नहीं है तो पैसे कमाओ, लड़की ने ये कहा हो कि तेरे पास पॉपुलैरिटी नहीं है तो पॉपुलैरिटी कमाओ, फेम कमाओ। अगर लड़की ने ये कहा कि तू अच्छा दिखता नहीं है तो भाई पैसे ही कमा के अच्छे भी दिख जाओगे, पैसा आता है ना तो अच्छे अच्छे आबाद हो जाते हैं भाई। विराट कोहली सर की पहले की और आज की पिक देख लेना और मुझे बता देना। लोग बोलते हैं पैसा बोलता है, मैं बोलता हूँ पैसा बोलता नहीं चिल्लाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर सफलता प्राप्त करो, अच्छी स्टडीज कर लो, अच्छे पैसे कमाओ, अच्छा पॉपुलैरिटी फेम सब कमाओ। अब रातों रात कुछ भी नहीं होने वाला अगर आप यहाँ से मोटिवेट होकर जा रहे हो कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, झंडे गाड़ दूंगा, लेकिन कुछ नहीं होता। मोटिवेशन एक ऐसी चीज
चीज होती है कि बस 5 मिनट तक ठहरती है फिर खत्म। तो मोटिवेशन लो चाहे मत लो, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जो 2 काम मैंने आपको बताए हैं उसको ध्यान से समझ जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। 2-4 दिन में कोई काम नहीं होने वाला, वक्त लगता है, 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक लगता है, लेकिन जो रिजल्ट आता है ना मेरे भाई, मजा आ जाता है भाई। करके देखना, अगर काम ना बने ना तो दोबारा वीडियो पे आना और डिसलाइक मार के जाना और कमेंट में गाली देके जाना, लेकिन फिलहाल वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ पर मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होती है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो और लोगों तक जाए ताकि लड़के आबाद हो, बर्बाद नहीं, तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, उसके बगल में घंटा आता है वो घंटा दबाना बहुत जरूरी है।